हेलो फ्रेंड्स आई एम भानीराम डाल वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं पशुपालन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जाहिर सी बात है कि हम एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन नहीं ढूंढते हैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं सबसे पहला अपना क्वेश्चन है मक्का के साइलेज का पी मान होता है देखो साइलेज जो होता है वो हरे चारे का परिरक्षण होता होता है और इसमें नमी की मात्रा लगभग एक्यूरेसी के आसपास पूछे तो आप बताओगे पचपन से साठ प्रतिशत बताओगे लेकिन अब हरे चारे का परिरक्षण है और पर किणवन होता है कौन सा लैक्टिक अमल किणवन होता है जिससे ये पशुओं के खाने के लिए और भी सुपाच्य हो जाता है यानी बहुत ज्यादा पचने योग्य हो जाता है

साइलेज का पीएच मान कितना होता है तो यहां चार ऑप्शन आपने रीड कर लिए होंगे और मेरे हिसाब से आपने आंसर भी सोच लिया होगा क्या होता है देखो 4.3 से 4.5 जो पीएच मान होता है ये कोई भी लेग्यूम चारा होता है जैसे रिज का है बरसीम लो है लोबिया है इनसे जो साइलेज बनेगा उनका पीएच मान होता है 4.3 से 4.5 होता है जो भी अपने आ, लेग्यूम का चारा है लेग्यूम पाउडर है उससे जो साइलेज बनता है उसका पीएच 4.3 से 4.5 होता है वहीं पर अगर हम बात करें मक्का से बनने वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है तो मक्का से से बनने वाले साइलेज का पीएच मान 3.7 4.0 होता है यानी राइट आंसर क्या होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट होगा तीन से चार पीएच मान होता है तो साइलेज से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए और इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच की जाती है दूध सफेद रंग का होता है लेकिन इसके पीछे बहुत सारे काले धंधे है ना यानी इसमें बहुत सारी मिलावट चलती है तो यहां पूछा है दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच की जाती है दूध में स्टार्च मिला दिया गाढ़ेपन करने के लिए तो अपने उसकी जांच कैसे करते हैं कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं ए ऑप्शन है पेरा, डाई मिथाइल एमिल बेंजाइल एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं डी ए एम बी दूसरा ऑप्शन है आपके पास सांद्र हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोराइड अमल और तीसरा ऑप्शन है एक परसेंट आयोडिन विलियम और डी ऑप्शन है उपरोगी तो इनमें से कौन सा केमिकल है जो दूध में स्टार्स के की मिलावट की जाँच करता है देखो ये पेरा, डाई मिथाइल एमिल बेंजाइल एल्डीहाइड है ये दूध में यूरिया की जाँच करने के लिए काम में लिया जाता है किसकी जांच करने के लिए दूध में यूरिया की जाँच करने

क्या काम में लेते हैं तो एक परसेंट आयोडीन विलियन काम में लिया जाता है यानी राइट आंसर क्या होगा यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा तो देखो यहां पे ये भी ध्यान रखना है ये भी ध्यान रखना है ये भी ध्यान रखना है तीनों इंपॉर्टेंट है जो डीएएमबी है वो यूरिया की जांच करता है सांद्र हाइड्रोक्लोराइड अमल है ये इस बात की जाँच करता है कि दूध में आ, चीनी तो नहीं मिला दी गई है ना सुक्रोज तो नहीं मिला दी गई है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चले लेकिन इसका राइट आंसर क्या था सी ऑप्शन आपका राइट है अगला क्वेश्चन है आपका रुमेन का पीएच मान होता है आपको पता है पशुओं का जो अमाश्य होता है वो चार भागों में बंटा होता है अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो ये चार भाग होते हैं पशु का खाना खाने के बाद पशु फटाफट खाता है फटाफट खाता है और उसको भंडारित कर लेता है और सबसे पहले किसमें भंडारित करता है रूमेन्स में वो चबाएगा नहीं बस फटाफट खाएगा इकट्ठा करेगा यानी भोजन को संग्रहित करेगा रूमेन जो होता है वो पशु के कुल अमाश्य का अस्सी भाग होता है सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता

चबाया जाएगा उसको बिल्कुल ग्राइंड किया जाएगा उसको बिल्कुल पीसा जाएगा जो भोजन है उसको ग्राइंड किया जाएगा उसको बिल्कुल क्या है बारीक पीसा जाएगा और पीसने के बाद जो भोजन आएगा वो किस में आएगा ओमेजम में आएगा

जो भी पाचन के एंजाइम होते हैं वो सारे स्त्रावित होते हैं और भोजन किस में पचता है एबोमेजम में पचता है और अगर आपसे एबोमेजम का पीएच मान पूछ ले तो कितना होता है दो से तीन क्योंकि भोजन और भोजन पचता पचता है और जब तो बहुत ज्यादा प्रकृति का हो जाता है तो भोजन पचेगा एबोमेजम में और ये वास्तविक अमाश्य होता है और ये कुल मतलब अमाश्य के आयतन का सात के लमसम भाग होता है और एमोजम का जो पीएच है वो दो से तीन होता है यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे रुमेन का पूछा गया था मैंने मोटा टा आपको यहां पे ढांचा भी बता दिया है ताकि और चीजें भी आपके ध्यान में चली जाए क्वेश्चन पूछा गया था रुमेन का पीएच मान होता है तो रुमेन जो भोजन संग्रहण करता है यानी जो अमाश्य होता है उसका सबसे बड़ा जो भाग होता है उसको अपने क्या बोलते है? रुमेन्स बोलते हैं हैं तो तो रुमेन के पीएच मान की बात करें 6.2 तो से 7 होता है राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन राइट होगा और यहाँ पे एबोमेजम का अगर पी पूछ ले तो, तो कितना होता है दो से तीन क्योंकि एबोमेजम है वो वास्तविक अमाश्य का काम करता है तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें अगले क्वेश्चन में क्या है डबल टोन्ड मिल्क में एस एन एप की मात्रा होती है डबल टोन्ड मिल्क में एस एनअप की मात्रा होती है अब ये देखो एक तो सिंगल टोन्ड मिल्क आता है एक डबल टोन्ड मिल्क आता है क्या कॉन्सेप्ट रहता है दूध में वसा की मात्रा कम कर दी जाती है ताकि मतलब जो आजकल क्या है लोगों का फिजिकल वर्क कम है जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रोल जिस जमने जैसी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है तो बॉडी में कोलेस्ट्रोल का जमाव न हो क्योंकि ये जो वसा होती है पशुओं से हमें ट्राइग्लिसराइड प्राप्त होता है ये saturated होती है है ये होती होती यानी जमने वाली होती है। तो इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा न बढ़े इसलिए उसका फेट कंटेंट है वो, वसा है, वो कितना होता है? अगर सिंगल टोंड मिल्क है तो वसा कितनी होगी तीन परसेंट और एस एन कितना रखना होता है साढ़े आठ परसेंट रखना होता है SNP,

यहां राइट आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा यहां का जो राइट आंसर है वो क्या आंसर होगा सी ऑप्शन आपका राइट होगा नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन है दूध के पाउडर में पानी मिलाकर दूध के पाउडर में पानी मिलाकर पुनः दूध बनाना कहलाता है ऑप्शन देखो आपके पास क्या है एक तो है पुनः रचित दूध जिसको अपने रिकन्स्टिट्यूट मिल्क कहते हैं दूसरा ऑप्शन है पुनः संयोजित दूध यानी रिकम्बाइंड मिल्क कहते हैं सी ऑप्शन है पूरी दूध यानी फील्ड मिल्क कहते हैं अब देखो दूध जो का दूध का पाउडर होता है जो स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है उसमें पानी मिला दें वापस दूध बन जाए तो उसको क्या कहा जाता है सिंपल सी बात है उसको पुनः रचित हमने पुनः उसकी रचना कर दी रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क कहते हैं राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन देखो तीनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दूध के पाउडर जो स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है आपने देखा होगा दूध से वसा निकालते हैं सेपरेटा दूध है उसको हम ड्राई करते हैं और उसका पाउडर बनाते हैं उसे ही दूध पाउडर या स्किम्ड मिल्क पाउडर कहते हैं जो दूध पाउडर आपने देखा होगा उसके अंदर

मिल्क पाउडर कैसे बनाया जाता है इसमें से वसा निकाल के यानी सेपरेटा दूध से ये पाउडर बनाया जाता है तो इसमें वसा नहीं होगी पुनर्रचित जो करोगे ना इसमें वसा नहीं होगी क्योंकि वसा तो निकली हुई थी ये एक तरह से सेपरेटा दूध की तरह होगा दूसरा होता है पुनः संयोजित दूध जिसको रिकॉम्बाइंड मिल्क कहते हैं रिकॉम्बाइंड मिल्क में क्या करते हैं अपने दूध का पाउडर लेते हैं यानी स्किमिट मिल्क पाउडर लेंगे उसमें पानी डालेंगे साथ साथ में वसा रखने के लिए हम इसमें बटर ऑयल डाल देते हैं तो इसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं वो क्या ऐड कर देते हैं बटर ऑयल ऐड कर देते हैं बटर ऑयल ऐड कर करने से वसा अपने मिनिमम कितनी रखनी है तीन रखनी है अगर हम स्किम्ड मिल्क पाउडर है दूध का पाउडर है उसमें पानी मिला के मतलब दूध बना दें और साथ में उसमें वसा क्रिएट कर दें वसा भी एक बना दें उसके अंदर और मिनिमम कितनी 3 अगर हम वसा बना दें तो उसके लिए हम क्या लेंगे बटर ऑयल उसको अपने पुनः संयोजित दूध या री कम्बाइंड मिल्क कहते हैं तीसरा है पुरित दूध पुरित दूध का मतलब होता है फील्ड मिल्क फील्ड मिल्क क्या होता है देखो जो दूध है उसकी जो वसा होती है वो तो निकाल लेते हैं क्योंकि वो तो महंगी होती है बढ़िया होती है और आपको पता है दूध का सबसे इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है यानी सबसे जो मेन व्यावसायिक जिसके दाम सबसे ज्यादा मिलने होते हैं वो वसा ही होता है तो दूध की प्राकृतिक वसा को निकाल लिया जाता है और उसकी जगह अपने क्या करते हैं जो वानस्पतिक वसा होती है वो डाल दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं पूरी तो दूध या फिल्ड मिल्क बोलते हैं जिससे डेयरी वाले जो वास्तविक वसा है उसको महंगे दामों में बेच देते हैं और इस दूध में भी एक वसा क्रिएट कर दिया तो इसको हम क्या बोल देते हैं फिल्ड मिल्क बोल देते हैं क्वेश्चन ये था दूध के पाउडर में पानी मिलाकर तो उसको हमने क्या बोला था पुनः रचित दूध बोला था राइट आंसर क्या है इसका ए ऑप्शन आपका राइट है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चले अपने के जी भैंस के दूध से कितना खोआ प्राप्त होता है देखो सबसे बढ़िया जो खोआ बनता है वो किससे बनता है जनरली हम बात करें तो भैंस के दूध से खोआ बनता है सबसे बढ़िया जो खोआ बनता है खोआ क्या होता है दूध को अपने गर्म करते जाते हैं और वो वो वाष्पीकृत वाष्पीकृत होता होता जाता जाता है है दूध को अपने गर्म करते हैं और उससे पानी है वो अपने उड़ा देते हैं और सॉलिड मेटेरियल है वो सत्तर से पचहत्तर परसेंट रख लेते हैं यानी कितना हो जाता है इसके अंदर सॉलिड मेटेरियल सत्तर से पचहत्तर परसेंट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं खोआ

सत्रह पॉइंट सात होगा और जो आ, लेक्टोज होता है वो कितना होता है बाईस परसेंट हो जाता है ये मैं भैंस के जो भैंस के दूध से बनने वाला है खोआ उसकी बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे बढ़िया खोआ बनता ही किसका है भैंस के दूध से बनता है तो खोए में आ, वसा सैंतीस परसेंट प्रोटीन सत्रह पॉइंट सात और लेक्टोज होता है बाईस परसेंट इस वजह से ये मीठा होता है आपको ही पता है खोआ हम घरों में भी बनाते हैं और मिठाई के अंदर भी काम में लिया जाता है तो सबसे बढ़िया जो खोआ है वो भैंस के दूध से बनता है तो एक किलो भैंस के दूध से कितना खोआ बनता है एक किलो भैंस के दूध से दो किलोग्राम खोआ बनता है राइट right आंसर क्या होगा सी ऑप्शन आपका राइट right होगा वहीं पर अगर आप गाय के दूध से खोआ बनाओगे तो गाय के एक किलो दूध से 180 ग्राम खोआ बनता है कितने ग्राम खोआ बनता है 180 ग्राम खोआ बनता है अच्छे से आपको यह बात याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट अपने बात करें गाय के दूध में कितने प्रतिशत पनीर प्राप्त होता है गाय के दूध से पनीर कितना मिलता है वैसे तो मेनली पनीर है वो सबसे बढ़िया किससे बनेगा भैंस के दूध से क्योंकि पनीर है वो हमें ज्यादा प्राप्त होगा ठीक है लेकिन यहाँ गाय के दूध से पनीर पूछा गया है तो पनीर आपको ही पता है दूध को फाड़ के उससे जो क्लोट बनते हैं उनसे जो वह होती है भैंस तो के दूध से है भैंस के दूध से पच्चीस परसेंट पनीर मिलता है वहीं पे गाय के दूध से कितना पनीर मिलता है बीस पनीर मिलता है तो राइट आंसर क्या होगा यहां किसका पूछा गया था यहां आपसे पूछा गया है गाय के दूध का छा गया है। तो गाय के दूध से जो अपने को पनीर प्राप्त होता है वो 20% होता है और भैंस के दूध से जो अपने को पनीर प्राप्त होता है वो कितना होता है 22.5% से 25% अपने को प्राप्त होता है कई बार पनीर का पीएच मान पूछ लिया जाता है तो पनीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 5.7 से 6.0% होता है पनीर का पीएच मान सॉरी प्रतिशत नहीं पनीर वो पीएच सीधा आएगा तो पनीर होता है उसका पीएच मान कितना होता है पांच पॉइंट सात से छह होता है वो पीएच मान होता है ठीक है प्रोटीन पूछ ले तो प्रोटीन का तो बढ़िया सोर्स होता है आपने देखा होगा जो आ... हा ah, वर्क करते हैं वर्कआउट करते हैं वो प्रोटीन के रूप में क्या करते हैं पनीर को खाते हैं तो पनीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत बार पूछी जाती है कितना प्रोटीन होता है चौबीस से छब्बीस परसेंट के आसपास पनीर के अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है वहीं पे आपसे वसा पूछ ले तो वसा की मात्रा कितनी होती है पैंतीस से सैंतीस वसा की मात्रा होती है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादातर जो पनीर है उससे प्रोटीन की मात्रा पूछी जाती है तो प्रोटीन कितना बताओगे चौबीस से छब्बीस बताओगे और अगर आपसे वसा पूछ ले तो पैंतीस से सैंतीस परसेंट बताओगे

प्रतिशत कितना होता है देखो अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन में चिकन के अंदर प्रोटीन 19 परसेंट होता, तो होता, तो होता, तो होता, होता है तो अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी राइट होगी ऑप्शन राइट होगा ग्यारह से तेरा 19% चिकन में में 18% अंडे में 11 से 13% और खीस में पूछ ले तो कितना होता है सत्रह

बकरियों की तो बकरियों में यौवन आयु आती है बारह माह के अंदर भैंस में बात करें तो तीस माह के अंदर आती है विदेशी नस्लों की गायों में बात करें तो अठारह माह आती है और क्वेश्चन पूछा गया भारतीय गायों में तो भारतीय गायों में यौवन आयु कब आती है चौबीस माह यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ए ऑप्शन है अब फटाफट सुनते जाना भारतीय गायों में यौवन आयु चौबीस माह है विदेशी गायों में अठारह माह है भैंसों में तीस माह है और ऊंट के अंदर छत्तीस से अड़तालीस माह है और उसके बाद अगर हम

इसमें क्या होता है जनरली गैम्ब्रो रेक के अंदर अः गैम्ब्रो जो रोग होता है वायरस जनित रोग होता है वायरस जनित रोग होता है और इसको अपने ब्रूसेल भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं ब्रूसेल रोग भी बोल दिया जाता है गैम्ब्रो रोग है ये वायरस जनित रोग है और इसको ब्रूसेल भी बोल दिया जाता है वायरस जनित रोग है दूसरा बंबल फुट बंबल फुट भी पोल्ट्री का रोग है यानी कुकुट का रोग है और ये जीवाणु जनित रोग है बंबल फुट है वो जीवाणु जनित रोग है पेरों के अंदर होता है फुट लगा हुआ जाहिर सी बात है पेरों के अंदर होता है मेरे के जो रोग है इसमें क्या होता है पेरों को और जो पंख होते हैं उनको लकवा मार जाता है तो मेरे के है ये भी वायरस जनित रोग है मेरे

नोक्रेडियोसिस, बी ऑप्शन है पिन्यूमोनिया सी ऑप्शन है सीपिंग फीवर इनमें से बताइए कि कौन सा जीवाणु जनित है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है ये तीनों के तीनों रोग ही जीवाणुजनित है राइट right आंसर क्या होगा डी ऑप्शन मैंने आज कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओ अब आपके लिए बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर और जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई एग्री प्लेटफॉर्म हमने पीछे भी बात की थी हम एग्रीकल्चर का एक ऐसा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पूरा एग्रीकल्चर आपको जीरो से लेके लास्ट तक करवाया जाएगा यानी आपका पूरे का पूरा बेसिक से एडवांस है वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा ये बैच हम पहले एक सेप्टेम्बर से स्टार्ट से करना जा रहे थे लेकिन सिर्फ ऑफलाइन लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आई कि ऑनलाइन भी स्टार्ट किया जाए तो ये हम जूम मीटिंग पे लाइव

जो है यानी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है उसका भी हम नया बैच सात सितंबर से स्टार्ट डेट दी थी लेकिन बच्चों की डिमांड आई की लाइव भी दी और भी दी तो सात सितंबर से, तो से जिसमें मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी तिरा, करवाई जाती है हिंदी मीडियम के लिए अलग क्लासे रहेगी इंग्लिश मीडियम के लिए अलग क्लासे रहेगी तो लाइव जो क्लासेज होगी वो जूम मीटिंग होने वाली है जो मैंने सभी कोर्सेज बताए थे तो सभी की साथ सितंबर से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन जेट आईसीआर 11 ट्वेल्थ के बैच एक सितंबर से यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं तो बिना देरी करते हुए एडमिशन करवाते हुए अपनी सीट को सुनिश्चित करें तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मैं आपके लिए बहुत सारे शानदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो सीधे-सीधे आपके एग्जाम में पढ़ने हैं थैंक यू